हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एलजेपी। शॉर्ट में हम इसे एलजेपी कहते हैं और इसका नाम है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये जिसे हम कहते हैं द्रव संधि विभव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैंने अभी पिछले 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं बीएससी के, तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा बार आपको पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में जो है वो आपके बीएससी सेकेंड ईयर में जो है वो पूछे जाते हैं। और एक चीज और गाइस, आपको ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। इससे ज्यादा मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे जितना नीड होगा केवल मैं आप लोगों को उतना ही बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द्रव संधि विभव, या जिसे हम कहते हैं एलजेपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम के हेल्प से जो है वो इसे एक्सप्लेन करूंगी। आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने की उतनी नीड नहीं है, बट अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। बट मेन टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी उसे जो है वो आपको लिखना है, क्योंकि ये चीज आपको बुक में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो इसे बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यू ट्यूब का जो है वो मतलब यू शेप का आपको एक जो है वो नली यहाँ पे शो हो रहा है। हम क्या करेंगे, मतलब इस तरफ से भी कोई हम यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे और इस तरफ से भी यहाँ पे हम जो है वो सॉल्यूशन डालेंगे। हम यहाँ पे एक ही प्रकार का सॉल्यूशन डालेंगे, लेकिन फर्क ये रहेगा कि उन दोनों का सांद्रता अलग अलग रहेगा। मींस यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने HCl का विलयन डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से HCl का विलयन जो है वो डालूंगी, लेकिन विलयन जो है वो हमारा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का होगा। जैसे कि ये जो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया हुआ है, मीन्स सांद्र HCl हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, तो सांद्र HCl का मतलब आप क्या समझते हो, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। मीन्स ये जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है वो इसलिए हम इसे कहते हैं। और अगर हम बात करें इस तरफ से, यहाँ पे हम लोगों ने डायलूट HCl का जो है वो यूज किया हुआ है। डायलूट मतलब क्या होता है, पतला होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे आपको फर्क आया, हम लोगों ने यहाँ पे HCl ही लिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने एक जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया हुआ है और एक जो है वो डायलूट HCl लिया हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो है वो HCl का विलयन को जो है वो डालेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों आपस में आके जो है वो मिलेंगे। तो क्या होगा अगर हम किसी गाढ़े सॉल्यूशन को अगर हम किसी पतले से सॉल्यूशन में जो है वो मिलाएं, तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर ये आपका द्रव संधि विभव है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो हम इसे ट्यूब में ही डालेंगे, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने इस तरीके से डिवाइड करके जो है वो लिखा हुआ है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। यहाँ पे देखिए, HCl हम लोगों ने लिया हुआ है। कैसा HCl हम लोगों ने लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। इस तरफ हम लोगों ने डायलूट HCl मतलब तनु विलयन हम लोगों ने लिया हुआ है, इस तरफ सांद्र विलयन हम लोगों ने लिया हुआ है। यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब जैसा कि आपको पता है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग है, मतलब इन दोनों का सांद्रता जो है वो अलग अलग है। एक विलयन जो है वो ज्यादा सांद्र विलयन है, ज्यादा इसकी जो सांद्रता है वो कहीं ज्यादा है, और एक विलयन जो है वो इसकी सांद्रता मतलब जो है वो कम है। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं ये जो आपका HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, इसका जो सांद्रता है वो C2 है। सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 है और इधर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग है। एक जो है वो गाढ़ा है, एक जो है वो पतला है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब देखिए क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है HCl हम लोगों ने लिया हुआ है, तो इसमें H+ और Cl- आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे H+ आयन भी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे Cl- आयन भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं, अब यहाँ पे देखिए ना, इस तरफ से दोनों आपस में एक जगह एक पॉइंट आएगा जब ये आपस में आके मिलेंगे, तब क्या होगा, ये जो H+ है ना वो इस तरफ जो है वो जल्दी जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जो H+ आयन है वो इस तरफ आ जाते हैं, मीन्स तनु विलयन की ओर, डायलूट HCl की तरफ ये H+ जो है वो जल्दी से आने लगते हैं। अब इसका रीजन ये भी है, अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आखिर ये H+ ही इधर क्यों आया, Cl- भी तो इधर आ सकता था, तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इसका मेन कारण ये है, क्योंकि ये जो आपका H+ है वो साइज में थोड़ा सा छोटा है और इनका जो स्पीड है
वो सीएल माइनस की अपेक्षा जो है वो ज्यादा है। क्लियर हुआ? इनका साइज एच प्लस का साइज सीएल माइनस के साइज से छोटा है, सीएल माइनस का साइज जो है वो बड़ा है। साइज में छोटे होने के कारण ये जल्दी से, इनका स्पीड जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जल्दी से ये जो है वो गति करके जल्दी से ये जो है वो इस तरफ जो है वो आ जाते हैं, डायलूट एच सीएल की तरफ जो है वो ये आ जाते हैं और इस तरफ जो है वो आपका सीएल माइनस जो है वो रह जाता है। क्लियर हुआ आपको? अब एक पॉइंट आएगा, जब आप यहाँ पे देखोगे ये H+ जो है वो जब इस तरफ आ जाता है तो ये डायलूट HCl पूरा धनायन हो जाता है, मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले आयनों का संख्या जो है वो बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। मींस यहाँ पे देखिए H+ बहुत सारे H+ हो गए हैं, लेकिन इधर क्या होगा, यहाँ पे केवल Cl- रह गए हैं, तो इस तरफ क्या है, ये वाला आयन जो है, ये वाला जो आपका सोल्यूशन है वो ऋणावेशित हो जाएगा, मींस यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले आयनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको समथिंग इस तरीके से कुछ जो है वो दिखाई देगा, मींस यहाँ पे एक प्रकार का आपको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर शो हो रहा है, मींस यहाँ पे हिंदी में मैं आप लोगों को आगे नोट्स में बताऊंगी उसे क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे एक प्रकार का डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है वो शो हो रहा है, जिसे हम जो है वो विभवांतर कहते हैं। मींस जब हम हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन को यहाँ पे एड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक विशेष प्रकार का विभवांतर जो है वो शो हो रहा है, इसी विभवांतर को हम जो है वो द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को नोट्स में और भी काफी कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि आपको अपने जो है वो लिखना है। तो चलिए देखते हैं, काफी ज्यादा आसान सा टॉपिक है। यदि एक ही विद्युत अपघट्य के दो विलयन आपस में संपर्क में हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने HCl को एक ही विद्युत अपघट्य कहा जा रहा है, मीन्स विद्युत अपघट्य मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने काफी बार आप लोगों को बताया हुआ क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है और दोनों सॉल्यूशन जो है वो आपस में संपर्क में है, एक विलयन जो है वो अधिक सांद्रता वाला है, एक हमारा जो सॉल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेशन का है एंड एक सॉल्यूशन जो है वो हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन का है। इन दोनों विलयन के आपस में मिलने पर एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है जो कि मैं आप लोगों को बताई हूँ। देखिए इस प्रकार का एक विभव उत्पन्न हो रहा है ना, तो जिसे हम क्या कहेंगे, द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहेंगे। काफी ज्यादा आसान सा ये आपका जो है वो टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। मान लीजिए पहला अधिक सांद्रता वाला है, मतलब HCl जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने गाढ़ा थोड़ा सा लिया हुआ है जिसकी सांद्रता जो है वो C2 है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और एवं दूसरा विलयन जो है वो डायलूट HCl लिया हुआ है जिसकी सांद्रता, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पहले से कम है। मान लीजिए उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C1 है, मीन्स इसकी जो सांद्रता है वो C1 है और इसकी सांद्रता जो है वो C2 है। अब आगे देखिए क्या लिखोगे, सांद्रित विलयन से H+ तथा Cl- आयनों का तनु विलयन में विसरण हो जाता है। क्लियर हुआ क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका सांद्रित विलयन है मींस कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, वहां से H+ आयन जो है वो तनु विलयन में उसका विसरण हो जाता है, मींस ये जो है वो डायलूट विलयन की तरफ जो है वो आ जाते हैं। चूंकि H+ आयनों की गति Cl आयनों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए H+ आयन तीव्र गति से तनु विलयन में विसरित होकर उसे धनावेशित कर देते हैं, क्योंकि इनका जो स्पीड है वो ज्यादा है तो इसे डायलूट HCl को वो धनावेशित कर देंगे। सांद्र विलयन Cl- आयनों की अधिक मात्रा के कारण ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि ये जो है पूरा निगेटिव चार्ज यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये वाला जो आपका विलयन है वो निगेटिव चार्ज वाला हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। दोनों कंडीशन के कारण संधि पर, अब देखिए संधि मतलब क्या है, जंक्शन, यहाँ पे देखिए एक प्रकार का जंक्शन जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मिल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, संधि मतलब क्या होता है, मिलना, संधि करना, तो वही हो रहा है यहाँ पे। जंक्शन के पास एक जो है वो एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसका मैं हिंदी में आप लोगों को बताने थे, विद्युत द्वितल जिसे कहा जाता है, विद्युत द्वितल कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। संधि तल पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और विसरण विभव कहते हैं। अब विसरण विभव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विसरण हो रहा है, H+ आयनों का यहाँ पे विसरण हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन पोटेंशियल कहते हैं, विसरण विभव कहते हैं। तनु विलयन हमेशा अधिक वेग वाले आयनों को जो है वो ग्रहण करते हैं, मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो आपका डायलूट HCl है ना, वो हमेशा उन्हीं आयनों को अपने तरफ जो है वो ग्रहण करेंगे जिनका स्पीड जो है वो ज्यादा है। अब देखिए Cl- की अपेक्षा H+ आयन का स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, H+ आयनों को अपनी तरफ जो है वो ग्रहण करेंगे।
क्लियर हुआ आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा इजी है एलजेपी और वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो अगर एग्जाम में आपको आता है तो 1 या 2 मार्क्स के ही आएंगे, तो इतना ही आपको लिखना है। इससे ज्यादा अगर आप लिखना चाहो तो और भी आप बुक में देख सकते हो, कुछ कुछ उसमें इक्वेशन वगैरह भी दिया है, बट मुझे नहीं लगता इक्वेशन की इतनी नीड है इस टॉपिक में। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बचे हुए और चैप्टर भी जो है वो कम्प्लीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।